हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगनर्स के लिए जो न्यूज़पेपर सीरीज़ है उसका ये पार्ट 6 वीडियो है। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सो गाइस, ये जो न्यूज़ है बिगनर्स के लिए, 13 मार्च 2020 फ्राइडे, और ये पहले हेडलाइन देख लेते हैं और इसमें क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा वो देख लेते हैं। गाइस देखिए, इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा इन कनेक्शन विद का इस्तेमाल, एज वेल एज का इस्तेमाल, येट टू का इस्तेमाल, प्रीवी टू, शायद ये आप पहली बार सीखें प्रीवी टू, एडजेक्टिव क्लॉज कई बार सिखा चुका हूँ, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बताऊँगा, सर्वाइव्ड बाई का इस्तेमाल, और बोथ के साथ जो एंड का इस्तेमाल होता है। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे और शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हेडलाइन देखिए, यहाँ लिखा है कि 7 अरेस्टेड फॉर हेड कॉन्स्टेबल्स मर्डर। अब तक आप समझ गए होंगे कि हेडलाइंस में या तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देगा या आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी मतलब है कि काम हो चुका है, वो देखने में लगता है कि ऐसा होता है, बट जब आप अंदर पढ़ेंगे तो काम हो चुका है, स्टोरी है वो। और अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, इसका मतलब कि वो पैसिव में दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे 7 अरेस्टेड लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि 7 पीपल वर अरेस्टेड, यानी कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? फॉर हेड कॉन्स्टेबल्स मर्डर, यानी कि हेड कॉन्स्टेबल के मर्डर के लिए, ये इसका मतलब है। अब अंदर देखते हैं गाइस। देखिए गाइस, अब ये जो है आपका यहां से लेकर यहां तक, यहां पे फुल स्टॉप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा एक ही सेंटेंस है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे वो देखते हैं गाइस। चलिए, ये लिखा है कि 20 डेज आफ्टर हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल वॉज किल्ड ड्यूरिंग कम्यूनल रॉयट्स इन नॉर्थ ईस्ट डेलिस गोकुलपुरी, यहाँ कॉमा है, रुकते हैं। देखिए, 20 डेज आफ्टर, यानी कि 20 दिन बाद, किस चीज़ के 20 दिन बाद? तो आफ्टर के बाद वो दिखाई देगा कि जिसके बाद, तो 20 दिन बाद किस चीज़ के? हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल वॉज किल्ड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। देख रहे, रतन लाल वॉज किल्ड, ये जो आपको सब्जेक्ट जैसा दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रतन लाल सब्जेक्ट नहीं है, डूअर नहीं है, रिसीवर है, इनके साथ कुछ हुआ है। वॉज किल्ड, यानी कि रतन लाल को मार दिया गया ड्यूरिंग कम्यूनल राइट्स। ड्यूरिंग का मतलब है दरमियान, किस दरमियान मार दिया गया? कम्यूनल, जब राइट्स हो रहे थे, जब सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उस वक्त मार दिया गया। कहाँ पर? इन नॉर्थ ईस्ट डेल्हीज, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, देख रहे हैं एपोस्ट्रॉफी ऐसे ना, दिल्ली के गोकुलपुरी में मार दिया गया। तो उसके 20 दिन बाद 7 persons have been arrested, यानी कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर से देख लीजिए, 7 लोगों को कब गिरफ्तार किया गया है? 20 दिन बाद, किस चीज के 20 दिन बाद? हेड कॉन्स्टेबल को जब मार दिया गया सांप्रदायिक दंगों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी में, उसके 20 दिन बाद 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को लोग जोड़ते हैं। फिर यहां पर जोड़ दिया इन कनेक्शन विद द मर्डर, इन 7 लोगों को किस कनेक्शन में गिरफ्तार किया है? तो इन कनेक्शन विद का मतलब है संबंध में, तो मर्डर के संबंध में। द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा, कब कहा? ऑन थर्सडे को ऐसा पुलिस ने कहा। अब समझ में आ रहा है ना कैसे सेंटेंसेस जुड़ते हैं? अब इसमें मैं आपको क्या सिखा सकता हूं? इन कनेक्शन विद में सिखा सकता हूं, ड्यूरिंग तो आपको पता ही है, बस यही है, इन कनेक्शन विद आप इसके अंदर सीख लीजिएगा। इस देखिए, इन कनेक्शन विद, ये क्या होता है? इस तरह की छोटे छोटे फ्रेजेज आपको आने चाहिए, इन कनेक्शन विद, इस पर मेरा वीडियो जरूर होगा, देख ढूंढ लीजिएगा। देखिए गाइस, इसका मतलब है किसी चीज के संबंध में, संबंध में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही हैज बीन अरेस्टेड, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो आपको पता ही है, तो ही हैज बीन अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके बाद यहां पर अचानक ये लोग जोड़ देंगे ऐसे कि इन कनेक्शन विद, अब ये छोटा सा लगा दिया ना बीच में फ्रेज, और इन कनेक्शन विद के बाद उसने जो भी क्राइम किया होगा ना, जिस क्राइम के संबंध में गिरफ्तार हुआ, वो क्राइम यहां दिखाना है विद के बाद। मान लीजिए मर्डर है, तो विद द मर्डर, तो यहां हो गया विद द मर्डर। ऐसे भी हो सकता है कि यू विल बी, कोई भी टेंस लगा सकते हैं, पैसिव ज्यादा यूज होता है, कि यू विल बी अरेस्टेड, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। मैं बार बार अरेस्टेड लिख रहा हूँ कि अधिकतर ऐसी केसेस में ये मिलते हैं ना, अरेस्ट वगैरह होता है, तो यू विल बी अरेस्टेड, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा इन कनेक्शन विद
इन कनेक्शन विद मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन यानी कि छेड़छाड़ के कनेक्शन में, मोलेस्टेशन मतलब छेड़छाड़ के कनेक्शन में तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो इन कनेक्शन विद का मतलब है के संबंध में, ये तो आप समझ गए, एक एक दो दो एग्जाम्पल काफ़ी है। इसके बाद कुछ इसमें था तो नहीं, ड्यूरिंग वगैरह तो आपको पता ही है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ लिखा है कि दिल्ली पुलिस पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर एंड एडिशनल कमिश्नर्स ऑफ पुलिस MS रंधवा सेड। अब इतना बड़ा सेंटेंस नहीं है, सिर्फ सेड, यही आपका ये देख रहे हैं, सेड एक वर्ब है और वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इतना बड़ा जो देख रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस से ये रंधवा तक, ये सब सब्जेक्ट है, तो ये घबराने की बात नहीं है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब यानी कि इन्होंने कहा, किस किस ने कहा, दिल्ली पुलिस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने कहा, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस MS रंधवा ने कहा, ओके क्या कहा, तो दैट लगा दिया। अब दैट के बाद क्या है कि दैट द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज चांद बाग रेजिडेंट सलीम मलिक एलियस मुन्ना, कॉमा पे रुकते हैं। देखिए सेड, सेड के बाद जो चालू होता है ना सेंटेंस दैट से, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। रंधवा ने कहा, तो कहा तो क्या कहा, तो जो कहा वो आपका एक जो चीज है उसको एक वर्ड में भी दिखा सकते हैं, एक क्लॉज में भी दिखा सकते हैं। तो दैट से जो है ना, ये दैट से पूरा एक नाउन क्लॉज होता है और यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। एनीवेज तो क्या कहा, दैट द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड यानी कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको गिरफ्तार कर ली, सॉरी उनको पहचाना गया है, हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनको पहचान लिया गया है। अब एज, जब भी आइडेंटिफाइड आएगा ध्यान दीजिएगा, वो एज जरूर लगाते हैं कि इस रूप में पहचाना गया है, किस रूप में, चांद बाग रेजिडेंट्स सलीम यानी कि चांद बाग का रहने वाला सलीम मलिक एलियस मुन्ना, एलियस का मतलब है उर्फ, जो हम बोलते हैं ना उर्फ, तो सलीम मलिक नाम है उर्फ, मुन्ना उसे कहते हैं, फिर है मोहम्मद जलालुद्दीन एलियस गुड्डू, जिसको गुड्डू भाई कहते हैं, टू ब्रदर्स मोहम्मद अयूब एंड मोहम्मद यूनुस, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया, आरिफ को एंड मोहम्मद सलीम खान, इनको भी गिरफ्तार किया गया और इनको पहचान लिया गया है, इस रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, एंड लोनी रेजिडेंट मोहम्मद दानिश, तो इतने सारे लोगों को पहचाना गया है जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको पहचाना गया, ये उनका नाम है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा दैट अ कॉन्स्पिरेसी वॉज हैच्ड। गाइज आपको पैसिव बिल्कुल आना चाहिए, देख रहे हैं हर बार आपको पैसिव दिखाई दे रहा है, कभी हैव बीन का पैसिव है, कभी वॉज का पैसिव है। देखिए यहाँ से देखिए, अ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, तो जो षड्यंत्र है वॉज हैच्ड, उसको रचा गया, हैच का मतलब षड्यंत्र को रचा गया, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया, ये रहा वॉज, ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है कि टू अटैक, ये टू देख रहे हैं, टू के बाद यहाँ अटैक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं बार बार कहता हूँ कि टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए वो इन्फिनिटिव है, वो पर्पस दिखाता है कि कॉन्स्पिरेसी जो रचा गया वो क्यों रचा गया, क्या करने के लिए, तो टू अटैक, अटैक करने के लिए, किसको, द पुलिस पार्टी, पुलिस पार्टी को अटैक करने के लिए। अटैक के बाद कोई ऑन वन कुछ नहीं आता है कि अटैक ऑन आप लगा दे, अटैक के बाद सीधा जिस पर अटैक करेंगे उसका नाम। एंड दैट द एक्यूज्ड आर बोथ कॉन्स्पिरेटर्स एज वेल एज एक्टिव राइटर्स। अच्छा पुलिस ने कहा, पुलिस ने कहा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी रचा गया था अटैक करने के लिए पुलिस पार्टी पर, पुलिस ने ये भी कहा कि जो एक्यूज्ड है, जो दोषी है, वो दोनों हैं, कॉन्स्पिरेटर भी हैं जो ये रचयिता है, षड्यंत्र रचने वाले भी हैं, एज वेल एज एक्टिव राइटर्स भी हैं, वो राइटर्स हैं, वो रॉइट कराते हैं, दंगा कराते हैं। अच्छा यहाँ पर जैसे बोथ के बाद हमेशा एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता, बट यहाँ लगा दिया गया है। एनीवेज चलिए अब इसके अंदर सीखने को क्या है, एक एज वेल एज सीख लेते हैं और एक दो आइटम देख लेते हैं। देखिए पहले तो देखिए एज वेल एज, इसका मतलब क्या है, एक बंदे की दो पर्सनैलिटी है, दो काम को दिखाता है। अगर मैं बोलूँ कि ही इज अ डांसर, वो एक डांसर है, ही इज अ डांसर एज वेल एज एन एक्टर, इसका मतलब है कि वो एक डांसर के साथ साथ एक्टर भी है, तो के साथ साथ ये दिखाता है। ओके और भी इसको ऐसे देख सकते हैं कि ही इज अ डांसर एंड एन एक्टर, कभी ऐसा बोल दिया तो सिर्फ आपको एज वेल लगाना है, एज वेल एज नहीं लगाना, ही इज अ डांसर एंड एन एक्टर एज वेल,
तो आपके ऊपर है कि आप एज वेल एज बोलेंगे तो पूरा बोलना पड़ेगा, और सिर्फ एज वेल बोलेंगे तो लास्ट में एंड लगाइए और फिर जो एक और पर्सनैलिटी वो दिखाइए और सिर्फ एज वेल लगा दीजिए। तो ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसे इस्तेमाल होता है कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, और फिर यहाँ पर डैश 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 कमिंग, राम और उसके राम साथ ही साथ उसके दोस्त आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन दे दे कि इज लगेगा या आर लगेगा, तो लोगों को क्या लगता है कि फ्रेंड से भाई ये तो ज़्यादा है, आर लगा दो, बट ये गलत है। आपको इज लगाना है। क्यों लगाना है? आपको इसको देखना है, ये जो पहला जो सब्जेक्ट है ना इसको देखना है, एज वेल एज के बाद जो सब्जेक्ट है इसको नहीं देखना। देखने में बेशक कि प्लूरल लगे लगेगी इसके साथ आर लगेगा, बट पहले वाले को देखना है। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। तो ये कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। ये हो गया। अब है आइडेंटिफाइड एज। आइडेंटिफाइड एज इसका इस्तेमाल भी न्यूज़पेपर में खूब होता है। जब भी पहचाना जाता है किसी को तो हम ऐसे बोलते हैं कि ही हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसे पहचान लिया गया है, फिर वो एज लगाएंगे। और एज के बाद जैसे हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज मान लो सोनू, ऐसे करके वो कुछ देंगे। तो एज के बाद ही बंदे का नाम, अगर उसका कोई उर्फ भी है तो एलियस भी लगा देंगे, सोनू एलियस। अब मैं इसका छोटा नाम क्या बोलूँ, मान लो एलियस कालू, कुछ भी। एनीवेज गाइस आगे देखते हैं। अब देखिए, मिस्टर रंधवा सेड, मिस्टर रंधवा ने कहा दैट द पुलिस हैव सफिशियंट एविडेंस। अच्छा, यहाँ जो हैव है ये पोजीशन वाला हैव है कि पुलिस के पास है सफिशियंट एविडेंस, काफ़ी एविडेंस है अगेंस्ट द एक्यूज्ड, उन दोषियों के खिलाफ, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो फुटेज। इन द फॉर्म ऑफ का मतलब है के रूप में, किस किस फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, फोटो है, तो वीडियो फुटेज के रूप में है। लोकल इंटेलिजेंस एंड आई विटनेस अकाउंट्स। अब यहाँ कॉमा करके लिख दिया कि लोकल इंटेलिजेंस, जो भी लोकल इंटेलिजेंस है, और आई विटनेस अकाउंट्स। अकाउंट का मतलब है जो लेखा जोखा लोग देते हैं, मतलब जो भी उन्होंने देखा बताया वो दिखाया जा रहा है। कि एक तो वीडियो फुटेज के रूप में है, फिर जो भी लोकल इंटेलिजेंस और आई विटनेस जो लेखा जोखा देते हैं सबके रूप में पर्याप्त एविडेंस है। व्हेन आस्क्ड इफ द मर्डर वेपन हैज़ बीन रिकवर्ड। देखिए, व्हेन आस्क्ड इसका मतलब है जब पूछा गया, When asked, ये शॉर्ट में खूब चलता है आजकल। When asked, जब पूछा गया, अगर पूरा होता तो कैसे होता कि when he was asked, जब उससे पूछा गया। लेकिन आप शॉर्ट में ऐसे बोल सकते कि when asked, जब पूछा गया। अब क्या पूछा गया? If the murder weapon has been recovered, यहाँ if का मतलब है कि क्या murder weapon को recover कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है, जिस हथियार से खून हुआ। Mr. रांधवा said, Mr. रांधवा ने कहा that the police are yet to recover it, कि पुलिस अभी भी इसको रिकवर करने के लिए मतलब किया नहीं है, करना बाकी है। एच टू का मतलब कि काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। मैं आपको एच टू सिखाई देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। देखिए, कभी भी अगर एच टू आ जाए, हालांकि न्यूज़पेपर में ज्यादा मिलेगा, बोलो कि पुलिस आर, कई बार पुलिस के सामने ग्रामर एक्चुअली इसको प्लूरल मानती है तो आर लगाती है, स्पोकन में कई बार इस बोल देंगे, तो पुलिस आर येट टू रिकवर द वेपन। इसका मतलब है कि जो पुलिस है उसने वेपन को अभी रिकवर किया नहीं है। येट टू का मतलब कि अभी भी करना बाकी है, काम हुआ नहीं है। तो अभी हुआ नहीं, फ्यूचर को दिखाता है कि येट टू, यानी कि फ्यूचर में ही होगा, अभी हुआ नहीं है। ओके, मैं बोलूँ कि दे आर, पेन नहीं चल रहा, मैं दूसरा पेन ला रहा हूँ गाइस। चलिए देखते हैं ये पेन काम करें। तो अगर मैं बोलूं कि दे आर येट टू लॉज एन FIR, इसका मतलब है कि उन्होंने FIR अभी दर्ज नहीं किया है, अभी भी दर्ज करना बाकी है। दे आर येट टू, करना बाकी, लॉज मतलब दर्ज करना। तो ये होता है येट टू। इसका पैसिव देख लेते हैं। येट टू का पैसिव होता है येट टू बी, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। जैसे द accused is yet to be arrested,
तो येट टू बी अरेस्टेड का मतलब है कि उसका अरेस्ट होना अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर जो एक्यूज्ड है ये सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ये डूअर नहीं है। देखने में सब्जेक्ट लग रहा है बट ये डूअर नहीं है, रिसीवर है। डूअर तो पुलिस वाले होंगे ना जो इसको गिरफ्तार करेंगे। ये पेन भी सही नहीं चल रहा है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। देखिए अ सीनियर पुलिस ऑफिसर प्रीवी टू द प्रोब सेड, देखिए सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, ये तो समझ जाएंगे कि सीनियर पुलिस वाले ने कहा। ये देख रहे हैं प्रीवी टू द प्रोब, प्रीवी टू का मतलब होता है कि जो इस मामले के बारे में जानता है, जिसको अलाउड है, जो अवेयर है इसके बारे में। तो प्रीवी टू द प्रोब, जो इस जांच पड़ताल के बारे में सब कुछ जानता है, उसने कहा दैट द सेवन एक्यूज्ड आर नॉट अमोंग द वंस, ये सात जो आरोपी है उनमें से नहीं है, नॉट अमोंग द वंस हु शॉट, जिन्होंने गोली मारी, शॉट लाल यानी कि रतन लाल को जिसने गोली मारी, उनमें से ये नहीं है। बट अमोंग द राइटर्स, लेकिन उन राइटर्स में से है हु वर पार्ट ऑफ द मॉब, जो उस भीड़ का हिस्सा थे। ये बात मुन्ना एंड सलीम आर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द मॉब, जो भी मॉब जो हाँ जो गुस्साइल भीड़ थी उसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कौन है, मुन्ना एंड सलीम, ये ऑर्गेनाइजर्स हैं। एंड दे कैन बी सीन इन द वीडियोज, दे कैन बी सीन, उन्हें देखा जा सकता है। कैन का ये पैसिव है इसलिए कैन भी लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, उन्हें देखा जा सकता है वीडियोज में। प्रोक्योर्ड बाई द पुलिस, अच्छा यहाँ अचानक वीडियोज के बाद ये जो देख रहे हैं प्रोक्योर्ड बाई, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल और यहाँ से लेकर के ये फ्रेज हो गया। प्रोक्योर्ड बाई का मतलब है कि जिसे जुटाया गया, जुगाड़ किया गया, कहीं से भी अरेंज किया गया बाय द पुलिस, वो तो वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो चूंकि वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो वीडियो जिसे पुलिस के द्वारा प्रोक्योर किया गया, इसलिए एडजेक्टिव का काम करता है, इसे एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको। इन्वेस्टिगेशन इज एट एन अर्ली स्टेज, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने अर्ली स्टेज पर है, शुरुआती दौर पर है। एंड दिस इज अमॉन्ग द फर्स्ट फ्यू अरेस्ट, एंड दिस इज अमॉन्ग द फर्स्ट फ्यू अरेस्ट मेड इन दिस केस, और ये जो है ये उन अरेस्ट में से है। दिस इज अमॉन्ग द फर्स्ट फ्यू अरेस्ट, जो कुछ पहले जो कुछ अरेस्ट हुए हैं मेड इन दिस केस, इस केस में जो कुछ अरेस्ट हुए उनमें से है ये, द ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर ने कहा। लाल वॉज किल्ड ऑन फेब्रुवरी 24 फरवरी को रतनलाल को मार दिया गया। एंड लेटर बाद में हिज ऑटोप्सी रिपोर्ट असर्टेन्ड, हिज ऑटोप्सी, ऑटोप्सी मतलब जो पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट असर्टेन्ड, उसने पता लगाया, उससे पता चला दैट ही डाइड ऑफ अ बुलेट इंजरी, वो गोली से मर गए। द डिसीज्ड ऑफिसर इज, अच्छा द डिसीज्ड ऑफिसर, डिसीज का मतलब मृतक, ऑफिसर यानी कि जो मर गए जो रतनलाल है, इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, सर्वाइव्ड बाय जब आ जाए इसका मतलब है कि जो मरने वाला अपने पीछे किस किस को छोड़ गया है, तो सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड थ्री माइनर चिल्ड्रन, तीन बच्चे हैं छोटे छोटे और एक पत्नी है। अब मैं इसमें जो बच्चे हुए आइटम आपको सिखा देता हूँ गाइस। चलिए गाइस प्रीवी टू देख लेते हैं। प्रीवी टू का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और ये कोई केस है। अब इस केस के बारे में इसको फुल अलाउड है, पूरा जानता है, मतलब इस बारे में इसको ये अवेयर है, यानी कि अवेयर है, इसका मतलब कि ही इज प्रीवी टू द केस। तो ही इज प्रीवी टू द केस का मतलब है कि ही इज अवेयर अबाउट द केस, ये अवेयर है उस चीज के बारे में, इसको सब पता है। तो ऐसे हम प्रीवी टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बोलूं कि यू आर प्रीवी टू दिस मैटर, तो प्रीवी टू दिस मैटर का मतलब है कि यू आर अलाउड टू नो अबाउट दिस मैटर, और आपको पता भी है और आप अलाउड है, यानी कि आपको ये मैटर मालूम भी है और आप अलाउड है कि आप इस मैटर को जान सकते हैं। ये सबको प्रीवी नहीं है, कहने का मतलब है कि यू आर अलाउड टू नो, आप उस मैटर के बारे में जानने के लिए मतलब अलाउड हैं, अलाउड टू नो, आपको बिल्कुल अलाउड कर दिया गया है, तो यानी कि आप उसके हमराज हैं। प्रीवी टू का मतलब हमराज है। शी इज नॉट प्रीवी टू माई डायरी, यानी कि मेरे पास जो एक डायरी है उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है, वो हमराज नहीं है। तो प्रीवी टू का मतलब है कि आप उसे जानते हैं, यू आर प्रीवी टू। तो उसी तरह अगर प्रीवी टू केस है, प्रीवी टू प्रोब है, यानी कि उसका जो जानने वाला है, जो हमराज है, ऐसे बात करते हैं। आगे देखते हैं।
चलिए अब देखते हैं सर्वाइव्ड बाय, सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड बाय, सर्वाइव्ड बाय जब भी आएगा तो एक पर्सन है जो कि मर चुका है, डेड है, तो ये उसका नाम होगा। फिर इज या एक से ज़्यादा है तो आर लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा सर्वाइव्ड बाय, और बाय के बाद कोई भी फैमिली फैमिली मेम्बर्स का जिक्र होगा। जैसे मान लीजिए कोई मर गया तो ही इज सर्वाइव्ड बाय बाय हिज वाइफ, यानी कि वो अपने पीछे अपनी पत्नी को छोड़ गया है एंड अ चाइल्ड, और एक बच्चे को छोड़ कर गया है। मैं फटाफट कर रहा हूँ, बहुत सारी आवाज़ें बाहर से आ रही हैं, फटाफट करता हूँ। तो सर्वाइव्ड क्लियर है, जो मर गया है उसका नाम लेना है, इज या आर लगाना है, इकलौता है तो इज लगाइए, और उस अपने पीछे जो छोड़ गया है सर्वाइव्ड बाय लगाइए और उसका जिक्र कर दीजिए। ये होता है सर्वाइव्ड बाय, न्यूज़पेपर में आता है। ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद है आपका बोथ एंड, पहले देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल वाला, पास्ट पार्टिसिपल और ये फ्रेज, ये आपको न्यूज़पेपर में ऐसे मिलेगा, मैं लिख ही देता हूँ। जैसे लिखा रहेगा लेड बाय, कंडक्टेड बाय, लिखा रहेगा रिटन बाय, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पास्ट पार्टिसिपल हैं, और ये फ्रेज बनाएंगे कैसे। जैसे मैं बोलूँ कि द बुक, द बुक, और यहाँ मैं लिख दूँ कि द बुक रिटन बाय, रिटन बाय माय फ्रेंड, फ्रेंड हैज़ बीन स्टोलन, स्टोलन, तो इसका क्या मतलब हो गया, बुक हैज़ बीन स्टोलन, किताब को चुरा लिया गया है। अब इस किताब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही, कौन सा किताब, रिटन बाय माय फ्रेंड, जिसे मेरे दोस्त के द्वारा लिखा गया था। तो रिटन आपका पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि थर्ड फॉर्म में है, और रिटन से लेके माय फ्रेंड तक एक छोटा सा फ्रेज बना रहा है, ये क्लॉज नहीं बना रहा है, क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब दोनों चाहिए, ये सिर्फ एक फ्रेज बना रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं या पार्टिसिपल फ्रेज भी कहते हैं। एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, विशेषता बता रहा है किताब के बारे में, तो ये होता है कि एक लाइन काफ़ी हो गया। अब आपके पास बचा है एडजेक्टिव क्लॉज और बोथ एंड, देख लेते हैं, पहले बोथ एंड देख लेते हैं। तो छोटा सा है, बोथ एंड का मतलब है मैं कहता हूँ कि ही इज़ बोथ, वो दोनों है, ही इज़ बोथ। अब जब भी आप बोथ बोलेंगे तो बोथ के बाद पहला उसका जिक्र कीजिए कौन है, ही इज़ बोथ, यानी कि ही इज़ बोथ अ डांसर, यानी कि वो एक डांसर है, फिर आप एंड लगाइए एंड अ लीडर, वो डांसर भी और एक लीडर भी है, तो ही इज़ बोथ डैश एंड डैश, तो ये बोथ एंड का इस्तेमाल होता है। जब भी आप बोथ बोलेंगे तो बोथ के बाद एक जो है वो दिखाइए, फिर एंड के बाद जो दूसरा उसका है वैल्यू वो दिखाइए। ये भी क्लियर है। अब आपका बच गया एडजेक्टिव क्लॉज, देख लेते हैं। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, इसके अंदर हु है, विच है या दैट लगा रहता है, कैसे होगा देख लीजिए। मैं बोलूँ कि आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ हु किल्ड योर फ्रेंड, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, किस व्यक्ति को, इस आदमी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हु किल्ड योर फ्रेंड, ये हु से लेके फ्रेंड तक जो आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ये जो हु है ये है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन काम ये सब्जेक्ट का कर रहा है, प्रोनाउन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इसे हम क्लॉज बोलेंगे, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कई बार आपको कॉमा दिखाई देगा, कॉमा का मतलब है कि वो नहीं भी होता तो चलता, उतना इसेंशियल नहीं है, नॉन इसेंशियल है। जैसे मैं बोलूँ कि द पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड द एक्यूज्ड, मैंने एक सेंटेंस बोला, तो इससे साफ दिख रहा है कि पुलिस ऑफिसर ने एक एक्यूज्ड को, मतलब जो एक्यूज्ड था उसको अरेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक अगर ऐसे कर दूँ कि द पुलिस ऑफिसर, और मैं यहाँ पर एक कॉमा लगा के एक इन्फॉर्मेशन दूँ, तो कॉमा लगाने का मतलब है कि ये इसकी ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए कॉमा लगाना पड़ता है। तो पुलिस ऑफिसर, और यहाँ पर मैं लगा दूँ कि हु हु वॉज हु वॉज एडमायर्ड एडमायर्ड बाई बाई द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं ऐसे बोल दूँ, और फिर लिख दूँ अरेस्टेड
यहाँ पे कॉमा लगा दूँ, अरेस्टेड द एक्यूज्ड, दिख रहा है आपको? अभी भी तो बात वही है ना कि पुलिस वाले ने एक्यूज को अरेस्ट किया। सी इस कॉमा से और इस कॉमा तक में क्या हो गया, बाय द पीएम, यहाँ पे जो कॉमा है कि उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि जो वो पुलिस वाला हु वाज एडमायर, जिसको एडमायर किया गया था, तारीफ की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो जिसकी ज़रूरत नहीं थी, देते हैं तो ओके, बट नहीं भी देते तो चलता, तो हमें कॉमा लगाना पड़ता है इधर भी और इधर भी, बस ये होता है। तो जब कॉमा लगाएंगे तो इसे बोलते हैं नॉन इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज, कॉमा नहीं है वो इसेंशियल है कि वो तो देना ही देना है। एनीवेज तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज़।